है गाइस, दिस इज पार्थ एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, बजाज ने रिसेंटली पल्सर 125 नियॉन को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। पल्सर 125 नियॉन पल्सर फैमिली की सबसे अफोर्डेबल बाइक है। पल्सर 125 नियॉन डायरेक्टली कम्पीट करेगी होंडा सीबी शाइन और हीरो ग्लैमर से। बजाज पल्सर 125 नियॉन दो वेरिएंट में अवेलेबल है, स्टैंडर्ड डमब्रेक वर्शन जिसका प्राइस है 64,000 रुपीज़, और दूसरा है फ्रंट डिस्क वर्शन जिसका प्राइस है 66,618 रुपीज़। पल्सर 125 नियॉन में आपको CVS स्टैंडर्ड मिलता है। CVS का मतलब है कॉम्बाइंड ब्रेकिंग सिस्टम। प्राइस के मामले में पल्सर 125 नियॉन का पोजिशन पल्सर 150 नियॉन से नीचे है। बात करते हैं इसके लुक्स की, तो इसका लुक पल्सर LS 135 के जैसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसका लुक पल्सर 150 नियॉन के जैसा है। पल्सर नियॉन 125 थ्री कलर्स में अवेलेबल है। नियॉन ब्लू जिसमें आपको बाइक मैटिक ग्रे कलर की मिलती है और उसमें ब्लू कलर से हाईलाइट किया गया है। दूसरा है सोलर रेड और तीसरा है प्लेटिनम सिल्वर। इन दोनों बाइक्स का कलर ग्लॉसी ब्लैक है जिसमें आपको सिल्वर और रेड कलर की हाईलाइट देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इसके इंजन की, तो इसमें आपको 125cc DTSI इंजन मिलता है 5-speed गियरबॉक्स के साथ, जो 11.8 bhp और 11 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इस बाइक में आपको 11.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है और इस बाइक का कार्बो वेट है 140 kg। बात करें इसके माइलेज की, तो इसमें आपको 55-60 किलोमीटर का माइलेज मिल जाएगा ऑन सिटी राइड कंडीशन। इसमें आपको ट्यूबलेस टायर्स भी मिलते हैं। पल्सर 125 नियॉन के फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और रियर में आपको डुअल नाइट्रोक सस्पेंशन दिया गया है। इसके फ्रंट में आपको 240mm डिस्क और रियर में 130mm ड्रम ब्रेक मिलता है। CBS इसमें स्टैंडर्ड आता है। दोस्तों, आपको ये बाइक कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में।